एक सेकंड आप लोगों का टाइम चाहिए, ये आप लोग का मैं सबसे क्लोज साथ देने के साथ देने का एक तरफ क्या करते हैं। पहली लाइट की इतनी ना वो टेंशन है कि लाइट चली जाएगी, लाइट चली जाएगी। और हमारे हाफिज़ साहब नवाब हैं, हाफिज़ साहब को क्या भाईजान, हाफिज़ साहब आ जाओ। हाफिज़ साहब कहते हैं हमें भाईजान तंग ना किया जाए, मर्जी हाफिज़ साहब। नहीं सर, पता है क्या मसला, वो बट साहब थे जेर पे थे तो फिर इसलिए जरा। हाफिज़ साहब अब हम कर ले अपना काम। जी जी सर, ओके। हैप्पी बर्थडे तो कहा ही नहीं यार हाफिज़ साहब। यार नहीं कहना, अभी नहीं, क्यों? रात को कहूँगा 12 बजे। ओए साहब आज बर्थडे ये कल रात था, आज बर्थडे ये कल रात हो चुकी है हमारा। ये गुलदस्ता है, इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये मुझे ना एक लड़की ने फैन ने गिफ्ट किया सर, फैन ने के देखा मुझे पहले ही पता था, मैंने कहा इस वजह से स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा, जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ तो ड्रोन शॉट लेने को उससे पहले मैं थैंक यू कर दूँ, मेरी जो फैन है हुरिया उसने मुझे दिया ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी, तो थैंक यू सो मच, इट रियली मींस अ लॉट। इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताता हूँ, तो पहले हम लोग ना जरा ड्रोन शॉट लेते हैं। तो इसकी स्टोरी है कि ये मुझे जो मेरी फैन ने गिफ्ट किया ये जर्मनी होती है, और इसके पास मेरा एड्रेस भी नहीं था। वो बाय चांस इसने सैम डी लाइट्स वाले को कहा, क्योंकि उन्होंने ना बहुत से टिकटॉकर्स को भेजा है तो उनको मेरा भी पता था, तो उन्होंने कहा आप टेंशन ना लें हम लोग भिजवा देंगे। मतलब तो उनको लगा था मेरी ये कोई फैमिली फ्रेंड है, तो ये मेरी फैन थी, थैंक यू सो मच। अभी लेट हो रही है अपनी बर्थडे के लिए, और मेरी बर्थडे का भी केक ये बना रहे हैं, तो मैं केक बर्थडे पर ट्राई करके बताऊँगा कैसा है, देखने में तो बहुत मज़े का है। अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना है तो आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं, और मैंने अपनी बर्थडे का कुछ भी नहीं लिया हुआ, देख रहे हैं ऑन द स्पॉट सब कुछ हो रहा है, तो देखते क्या बनता है। अभी मैं चलता हूँ, कुछ सोचता हूँ क्या करना है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने का। मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ ही आ रहा। अच्छा, साथ ही आ रहे हैं आप मेरे। हाफिज़ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यार। सर किस बात का? ये आपकी मदद का। ओ सर ये तो आपकी मोहब्बत है। स्पेशल मुझे ना अंदर से किसी ने कहा कि यार आपका कोई दोस्त है जो हैवी बाइक पे आया, वो देखे वो खड़ी उसकी हैवी बाइक। यार बिला जी बात आ गई, मेरी जान, थैंक यू सो मच यार। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, मैं आपको दोस्त वालों का दूंगा कुछ। आप ये क्यों पहन के आए हो किसी बर्थडे पे? असल बात ये है, बर्थडे की बात नहीं थी आपको पता, इसके बाद मैंने जाना जिम, तो आपकी बर्थडे भी मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए जिम भी जरूरी थी। ठीक है, अब्दुल्ला भाई के पहले बर्थडे अटेंड करते हुए उसके बाद जिम जाएंगे। थैंक यू सो मच बिला जी, अब्दुल्ला भाई आपके लिए। यार बिला भाई अब आप मैं नहीं ला तो नहीं चला, चलो अब अब्दुल्ला भाई आपके लिए प्यार था छोटा सा हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर जान, कोई मतलब नहीं, ये जिंदगी में चीजें आती रहती हैं। सबसे पहले जो मेरे बर्थडे पे आए हैं वो भाईजान आनी साहब, क्या हाल चाल है? हैप्पी बर्थडे ब्रो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर जान, कैसे हो? थैंक यू सो मच यार आप लोगों के आने का सबसे पहले। अच्छा और सुनाओ कितने साल के हो? यार मैं हो गया हूं 25 साल का। यार आप हमेशा हर साल 25 साल के ही होते हो, कोई 30 साल का सुना था हमने तो। जो लड़के होते हैं ना शादीशुदा वो जवान रहते हैं। एसपी साहब आपको कह रही है। यार एसपी आप शादीशुदा हो? क्या? एक माशाल्लाह। 6 माह का? अच्छा भाई जान मेरी ना एक न्यू दोस्त बनी है, आपने देखा होगा व्लॉग्स में ना रिसेंटली आ रही है, उसने मुझे स्पेशल कॉल किया कि अब्दुल्ला बाहर आओ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती बाहर आओ तो सही, अब बाहर आके क्या करना है देखते हैं। बाहर की ड्राइवर ले तो आप मुझे अब तय है, ये गाड़ी किसकी है? अच्छा ये ओ इसलिए बाहर बुलाया फिर? आप मुझे बताओ जो दोस्त यार आपके बर्थडे पे आए उनको आप इतनी चाह से बुलाओ गिफ्ट ना लेके आए,
यार उनको तो मैं कह रहा हूँ वापस। आपको सच बात बोलूं? जी जी आप वाहिद बंदे हो जो गिफ्ट लेके आए। यार अब्दुल्ला भाई मैंने क्या पेंडिंग है, मैं बहुत जल्दी। और ये देखें शिंदे यार, आपकी बर्थडे मिस हो। नहीं नहीं देखो, चार दिन पहले का मैंने आपको इनवाइट भेजा है, ऐसे ही है। नहीं नहीं अब्दुल्ला भाई हमने ये नहीं कहा कि हमने नहीं देना, पेंडिंग है यार। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ऐसे यार दोस्त है। लेकिन गिफ्ट से ना गिफ्ट से गिफ्ट से दोस्ती को नहीं जज करते, पहली बात यूनिवर्सिटी में आपको पता। मैंने आज अब तो यूनिवर्सिटी आने नहीं, खत्म हो गए। व्हाट्सएप क्या हो गया, वलीद मेरे से तकरीबन 5-7 साल छोटा है, लेकिन वलीद और मेरी मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे पुराने मोहल्ले में भी रहता था। अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, बहरे टोन में भी आए, तो वही वलीद साथ साथ ही है। हाँ क्या बात है। तो भाई मैंने इससे कल कहा कि यार मैं तो शायद ना आउट ऑफ कंट्री चला जाऊँ, तो कहता जिस कंट्री जाके मैं उधर आ जाऊँ। मोहब्बत है इसकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अहमद भाई। अहमद भाई स्पेशल दुबई से आए हैं मेरी बर्थडे के लिए। थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह कपड़े, ये कौन सा ब्रांड है ना आपने बताया ना, सही ना? क्लोज अप क्लोज अप। वेलमेन की जैकेट और शर्ट, ओ माय गॉड पैंट, ओ माय गॉड शूज। तो भाईजान ये सबसे महंगा लौंडा है हमारी पार्टी का, ठीक है? तो मैं इसका इंस्टाग्राम स्पेशल डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जो लड़की चाहती है कि सख्त लौंडा है ये, पिघलेगा नहीं, लेकिन अगर पिघला सकते हो तो आप पिघला जाएंगे। आपको बताऊंगा ये है सिविक वाला लौंडा। नहीं मैं और भी खड़ी है, ZX भी खड़ी है। अच्छा इनके पास प्राडो भी है, इनके पास ZX भी है, इनके पास ऑडी भी है, इनके पास सिविक भी है, इनके पास अल्ट्रा भी है, इनके पास फोर्ड और भी 5-6 उनका नाम बताना जरूरी है। यार ये क्या बात है। और पोर्शे रास्ते में है, पोर्श एक दो महीने बाद आप इंशाल्लाह आप देखेंगे। लेकिन मैसेज फिर बिना करके प्लान ही दूंगा। चलो मेरे लिए मेरे खाते कर दे, जो पसंद है। चलो ठीक है, थैंक यू। जो मेरे साथ आज मुआज देख रहे हैं आप, इसका मेरी जिंदगी में एक बहुत अहम रोल है, कि हम लोगों ने स्टार्टअप एक साथ किया था। आज मैं एक मासूम सा गरीब सा बंदा हूँ, लेकिन मुआज आसमानों को छू रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देख के। उसके पफ चेक कर सकते हैं आप, ये तुम्हारे जूते का वो निकल आया भाई, वही मुझे लग गया। चलो खा लो तो जो शिमजे है वो मोइज की कज़न है, और मोइज मेरा बहुत पुराना दोस्त है, आज से 3.5 साल पुराना। उसकी बदकिस्मती, इनकी बदकिस्मती, इन्होंने यूसीबी ज्वाइन कर ली, इनको यूसीबी का पता नहीं था। मेरी बदकिस्मती है कि उसके पीछे लग के यूसीबी ज्वाइन कर। लेकिन देख रहे हो आज पूरी दुनिया जो जानती है शिमजे को, यूसीबी की दो क्वींस हैं, एक शिमजे है, दूसरा इसकी बेस्ट फ्रेंड है आयला। लेकिन हमारी यूसीपी के एक ही बंदा है जो ब्रांड है, सारी दुनिया उसके आगे पीकी है, सारे टिकटॉकर उसके आगे पीकी है। ऐसे ही है, उसकी गाड़ी लग गई है, वो गाड़ी की ऐसे ही है। ऐसे ही हमारे प्यारे बिलाल भाई, जब आप आए आपके शुरू से मेरा मैं तारीफ का बहुत मशहूर हूँ, और हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ बर्थडे। ऐसे ही हमेशा खुश रहो और ऐसे ही लोगों को खुश करते रहो। थैंक यू सो मच यार। आज ना मैं लोगों के बारे में बता रहा हूँ, पिछले बर्थडे में मैंने लोगों ने मेरे बारे में बताया था। आज हमारे साथ ना हमारे थोड़े से वक्त में ना हमारे दिल की जान बन गई, हम सब की हीरा मुआज, हम सब के जो बड़े भाई हैं ना वो शफीक भाई हैं। हमें भी कोई भी मुश्किल आती है हम शफीक भाई को आते हैं। तो शफीक भाई थैंक यू सो मच। मुश्किल नहीं कि इसलिए आते हैं ताकि शफीक भाई आए। फिर मुश्किल है वहाँ, हम डरते भी नहीं किसी के, यार हमारे शफीक भाई हमारे साथ। थैंक यू सो मच शफीक भाई। तो आज मेरे दोस्त ने मुझे दिया है गिफ्ट, तो मुझे तो इसकी खुशी बहुत ज़्यादा ही है। थैंक यू सो मच हीरा। और मैंने हर महीने बाद देखना, आपने यूज़ नहीं करना, सिर्फ ड्रेसिंग करना, संभाल कर। तो आज ना मैं लोगों के बारे में बता रहा हूँ, पिछले बर्थडे पे लोगों ने मेरे बारे में बताया था। तो हीरा मेरी तकरीबन 5 साल पुरानी दोस्त है, हमारा जो करियर था एक साथ स्टार्ट हुआ। और 5 साल पहले मैं 15 साल की थी। तो देखो पता क्या चक्कर है, जो लड़की है ना उनसे इनकी एज ही पूछते, और लड़कों से उनकी ना सैलरी नहीं पूछती, क्योंकि कमाती नहीं है इस वजह से। अगर अभी मैं 18 साल भी कहती तो लोग मान जाते, लेकिन मैं 23 साल। जो हीरा की ये बातें है ना, इस वजह से हीरा सारी लड़कियों से अलग है। बंदा कुत्ता पाले, सांप पाले, बिल्ली पाले, लेकिन अब्दुल्ला ना पाले, कुछ भी ना पाले। तो ये है हमारे प्यारे प्यारे मुनीब भाई। अगर आपको DHL साइड पे कोई भी मसला हो तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये PTA के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और दिलो जान से तगड़ों कर रहे हैं, तो पॉलिटिशियन का बहुत बड़ा, ये MLA की सीट से लड़ रहे हैं,
इनके पास एक फुल शुगर है तो मुनीब भाई के साथ में बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, तो थैंक यू सो मच मुनीब भाई। और मुनीब भाई हमेशा बहुत अच्छे हैं, जेंटलमैन है, इन्होंने हर लड़की के दिल काबिज किया हुआ है, बहुत अच्छे जेंटलमैन है, आप देख सकते हैं। शाह में शाह ईशा शाह, देखें मेरे ना जिंदगी में ना चंद ही फीमेल दोस्त हैं, हीरा, ईशा, फरियाल, रोशनी और बहुत कम लोग हैं जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जिनसे मेरा रेगुलर मिलना होता है। तो ईशा इज़ वन ऑफ देम, शी इज़ वेरी प्योर हार्टेड। और थैंक यू सो मच मेरे दोस्त होने के लिए, मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उनका, मैं ईशा का। ईशा अब मैं ईशा बहुत ऊपर लेवल की लड़की है, मैं नहीं कह सकता कुछ ईशा के बारे में, ईशा के पापा पुलिस में है तो मैं पगड़ा भी नहीं ले सकता उनसे। सॉरी ईशा, कोई बात नहीं, लगी हुई तो मुझे मारना पड़वाना पुलिस पढ़वा भी सकती है। थैंक यू मैडम, आशिर को तो आप कहने की तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, आप मुझे स्टार्ट से प्रोफाइल में ना आशिर को देखते होंगे, जैसा जैसा मैंने ग्रो किया, आशिर ने भी ग्रो किया, आशिर तो माशाल्लाह वैसे का वैसे ही है, आपका भाई मोटा होगा लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आशिर टू बी वेरी ऑनेस्ट प्योर पर्सन है, मतलब इसकी कोई मुँह पर तारीफ नहीं है, वैसे मुझे आदत नहीं है मुँह पर तारीफ करने की, लेकिन आज इसकी पहली दफ़ा कर दी है। तो और शायद ही कोई लड़की हो लाहौर की, कराची बोल शो की, जो उसको नाना मुझे ऐसा लगता था कि ना जो लाहौर से बाहर के लोग हैं ना वो बड़े अजीब से होते होंगे, जो सबसे बात है उनके दिमाग में अकल नहीं होती होगी या होती होगी ऐसा था कि, और बद दिमाग के बद लिहाज, लेकिन ये हमारी जो दोस्त है शिवाती, शिवाती आप तो इनके अंदर तो बिल्कुल अकल नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे प्योर हैं, छोटी छोटी बात पे ये सही वाली हरकतें करते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, शायद जंगल में रह रहे कि ना वो नहीं देखा अभी कुछ किया और कर देख लो, मैं एक जनरल बात करूँ आपको एक हरकत है। हाँ तो आप तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट रोशनी बहुत अच्छी लड़की है, रोशनी जब भी आती है जैसे अभी अंधेरा था तो रोशनी उजाला हो गया, तो रोशनी एक मेरी लाइफ में एंटर हुई, तो जब एंटर हुई तो जो दोस्तों की गैदरिंग थी वो और ब्राइट रोशन हो गई, तो रोशनी का जो नाम का मतलब है वो है रोशन, तो आपको पता है जहाँ जाती है रोशनी कर देती है, मेरे नाम के मिनी बता रहे थे। हाँ रोशनी का मतलब पहले, हाँ रोशनी मुझे एक सवाल का जवाब दो, तो रोशनी का ऐसे मतलब क्या नाम था? तो बहुत सी लड़कियाँ ना तारीख के मोहताज होती हैं, लेकिन हमारी जो दोस्त है अनम, अनम से मेरी ना ऑन एंड ऑफ मुलाकात होती है, लेकिन जितनी भी मुलाकात होती है अच्छी होती है, और इसके मैं मिला था मेरी एक दोस्त है इंशु, उसके थ्रू, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये तारीख की तरह भी मुताज नहीं है। तो अनम इज़ अ वेरी गुड गर्ल, ठीक है, टू बी वेरी मच, और जितना भी इससे मुलाकात होती है बड़ी फ्रेंडली होती है, आपको देख के लग ही नहीं रहा होगा कि मैं इससे फर्स्ट मिल रहा हूँ, इतना फर्स्ट नहीं मिल रहा हूँ मुझे। ये वाइन रखा है जो मेरे जैसे मोहित मेरा ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा है वैसे ही सेम आशिर है, क्योंकि जब इसने स्टार्ट मैंने इसको ना ग्रो होते हुए देखे, जैसे मैंने मतलब छोटे भाई को स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ, कॉलेज से यूनिवर्सिटी लाइफ जाते हुए देखो, इसी तरह मैंने आशिर को ग्रो होते हुए देखा है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जितने रिस्पेक्ट आशिर देता ना तो शायद ही मुझे पूरे इस करियर में मुझे किसी ने दूर, तो आशिर और इन रिटर्न रिस्पेक्ट डिजर्व भी कर सकते हैं। मेरा चैनल है आशिर, काफ़ी ऑडियंस पाकिस्तान की देखती है, तो उसमें ना भाई का बहुत बड़ा आदमी, उन्होंने गाइड किया कैसे किन लोगों में बैठना है, किन लोगों में उठना है, काफ़ी टाइम स्पेंड करना है, सारा कुछ बताया था, मेरी ग्रोथ में सारा अब्दुल्ला का और 75% क्रेडिट अब्दुल्ला को जाता है। थैंक यू सो मच। मेरे जितने भी व्लॉग्स में ना आपने इरशाद को देखा होगा, तो इरशाद और मेरा जो साथ है वो तकरीबन कितना है इरशाद, 8 साल, 6 साल, 6 साल पुराना ही है जो हमारा बॉन्डिंग फुल क्लोज बॉन्डिंग है, तो मुझे लाइफ में जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है अगर कह लो कि बाप की जगह जो है वो मेरे इरशाद है, क्योंकि इरशाद ने मेरा जहाँ भी साथ दिया, इरशाद में तेरा सारी जिंदगी शुक्रिया है, तो इरशाद तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तू आएगा बर्थडे से तेरे मोहब्बत। ये मेरा छोटा भाई है, बस टाइम पूरा ओके जाओ नहीं यार देखो मैं बताऊँ, जो मोहित मेरा भाई है मतलब मैं यकीन कर रहा सुबह उठ के जब मैं नीचे आता हूँ ना तो जब मैं इसकी शक्ल देखता हूँ मेरे चेहरे पे वैसे ही स्माइल आ जाती है, और जब ये स्कूल से आता है तो इच्छू मनी क्या करते हो
फाइनली माय लव इज हियर, हैप्पी बर्थडे अब्दुल्ला, आई लव यू। अभी यहाँ पे ना दो भाई खड़े हैं, एक मेरा भाई मोहित कैमरे के पीछे और एक ये मेरा छोटा भाई इधर आया। बस ज़रा टाइम कम मिल रहा है, जिसकी शिकायत मुझे मेरी लाइफ से भी है कि वो कम मिला है, मैं थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ, जिसमें मुझे आई लव यू सो मच। ये देखें दो लोग इधर खड़े हुए हैं, दो लोग इधर खड़े हुए हैं, ना ये लोग तारीफ के मोहताज हैं, ना ये लोग तारीफ के मोहताज हैं। एक एसपी है हमारा यूनिवर्सिटी में, आप ना जाए किसी लड़की से पूछे एसपी साहब, वो डर जाती है कोई, एसपी नाम है सर। और यकीन करें मैं नहीं कुछ बोला, आज मेरी बर्थडे मैं बोलूँगा, ठीक है। और ये जो बिला जी, आप जिस मर्जी लड़की के पास जाएँ, अबिले की बात करेंगे ना, हाँ वो लड़का वो बड़ा अच्छा लड़का है यार बिला जी, नहीं मैं बोलूँगा। तो प्लीज़ बिला जी ये चीज़ें छोड़ दें, देखें तो लड़कियों की शादी भी हो गई है, आप मामू भी मर गए हो, तो इस वजह से ना फिर बात नहीं। फिर आ जाओ, ये ताक में होता है कोई लड़की मिल रही हो, ठीक है मैं उसके पास जाऊँ। हाँ तो इसके पास हर लड़की का इंस्टाग्राम नंबर होगा, वो इंस्टाग्राम होगा यार वहाँ। अच्छा अच्छा ठीक है। और एक लड़की इधर जिसकी याद में सारी जिंदगी एक ही आवाज लगाता है, ऊंची सारा हो गया, सारे पूरे मेरे सारे यारे दोस्तों को बताओ, 3 2 1 मोनिका माय डार्लिंग, थैंक यू सो मच, आप सब आए ओ वेलकम, कोई मसला नहीं, मगर मिस्टर अब्दुल्ला के खातिर मैं बता दूं हर लड़की आप सारे मेरे दिल के बहुत करीब हो, इसी वजह से हाँ मियां साहब आप आए ने। अच्छा तो आपको देखे समिया का तो पता ही होगा, आप तो बोरियो में देखते होंगे, तो ये दो मैं समिया क्या तो बोरियो में आपको नजर आते होंगे, खाने के जितने खाने की ये मार रोल थी ना शादी के रोल, मतलब अच्छा खाना बनाती, मैं अच्छी शेफ हूँ, अच्छी बच्ची। अगर आपने इसके खाना खाया होगा तो आप अपने घर का खाना नहीं खाएंगे। मैं बनाती, लेकिन ये दोनों बहनें आज की मोटी आई, मैं पता नहीं मोटी तो बहुत अच्छी बहनें हैं, आपस में इतनी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और ये जितनी फ्रेंकली है ना, एक सेकंड आप लोगों का टाइम चाहिए, ये आप लोग का मेरे सबसे क्लोज साथ देने के लिए एक दफा क्या What you gonna do with it? What you gonna do with it? What you gonna do with it?